गाजियाबाद में नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर चलती ट्रेन में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। वहीं इस नवजात बच्चे को समुचित इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गर्भवती महिला प्रयागराज से दिल्ली जा रही थी। महिला मिर्जापुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, जिसे अपने पति के पास हरियाणा जाना था। वहीं सफर के दौरान महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। सब सफर में जो महिला थी वो ट्रेन के बाथरूम में महिला का प्रसव हो गया और चलती ट्रेन में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। मामले की जानकारी मिलते ही सफर कर रही यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने जच्चा और बच्चा को गाजियाबाद के महिला अस्पताल में रेफर किया, लेकिन महिला के अस्पताल पहुंचने से पहले ही नवजात शिशु की मौत हो गई। इस पूरे मामले में गाजियाबाद महिला अस्पताल की चिकित्सा अधिकारी संगीता गोयल ने बताया कि महिला और उसके नवजात बच्चे को जिस समय अस्पताल लाया गया था तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। वहीं महिला को डिलीवरी के बाद दिया जाने वाला सभी समुचित इलाज दिया जा रहा है। उतने समय बच्चा सही था, वो जो औरत थी ना वो बच्चा ली, हमको दी नहीं ना, हमारो याद हुआ कि हम अपना बच्चा अपने पास मिले। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके बाद में जब अस्पताल वाले गए, दूसरे अस्पताल वाले गए, वहाँ पर जहाँ उतरे थे हम, वहाँ उतरे तो वहाँ पर गए तो देखे बच्चा के, तो बच्चा की जान पहचान लगता नहीं थी। अच्छा, बच्चा आपको तभी नहीं दिया गया था? नहीं, वो महिला ने रख लिया था। हाँ वही ली थी। ये महिला प्रेमा, जिसका नाम है, 28 साल की उम्र है, संदीप इनके पति का नाम है। ये हमारे पास पुलिस के द्वारा लाई गई थी जब ये ट्रेन में डिलीवरी हो गई करीब 1:15 बजे के आसपास। महिला अस्पताल में इसको भेजा गया था, रेलवे के डॉक्टर्स के द्वारा देखा गया था और उन्होंने ही उसको यहाँ रेफर किया था। इस समय ये महिला और बच्चा हमारे यहाँ आए, बच्चा उस समय मृत अवस्था में था। डॉक्टर्स द्वारा चेक किया गया, उसमें कोई धड़कन नहीं थी। महिला की अवस्था थोड़ी सी बदहवास हालत में थी, कॉपरेट भी नहीं कर रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पर स्टाफ के द्वारा बहुत समझाने पर बहुत ठीक से देखा गया और उसको ट्रीटमेंट दिया।